ये हमारी अंगूर की बेल, वो गार्डन भी क्या है जहाँ फ्लावरिंग हो सिर्फ और फलों के पौधे ना हो। तो आज फ्रेंड्स हम मिलवाते हैं आपको अपनी ग्रेप्स वाइन से, यानी अंगूर की बेल से, जिसमें कि छोटे छोटे अंगूर भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसमें अंगूर भी आ रहे हैं। और ये देखिए, मैंने भी इस तरह लगे हुए अंगूर फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, और जब अपने यहाँ आए हैं तो वो तो और भी खुशी की बात हो रही है। क्यों अनाबिया, देखा गार्डन में कितने सारे अंगूर आ रहे हैं, अब आ जाइए भाई अंगूर खाने के लिए। ये देखिए, और उधर भी हो रहे हैं, और ये हो रहा है हमारे पपीते का पेड़ जिसके अंदर इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं, और हो सकता है ये पपीते की शक्ल भी ले ले। और फ्रेंड्स, अंगूर के बारे में जहाँ तक की बात है, अंगूर की बेल सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब इसकी सिर्फ ब्लैक स्टिक्स ही रह जाती हैं, और ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारा पेड़ बिल्कुल मर गया है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तभी इसके अंदर ये पत्ते आने शुरू होते हैं, और उन पत्तों को हम ये इस तार के ज़रिए ऊपर तक बढ़ती चली जाती है, इसको पकड़ के ये चलती है, सहारा इसी से लेती है, देखिए इस तरह से। और अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है जिससे कि इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो सके और हमारे ग्रेप्स अच्छे मोटे हो सके। एक बात तो ये, दूसरी बात ये फ्रेंड्स, ये अच्छी खासी धूप की आवश्यकता इसे होती है। सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट इसे पूरी चाहिए, फुल सनलाइट में ये ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि आप इसे छांव वाले स्थान पर नहीं रख सकते हैं। पानी इसे पूरी तरह से, अच्छा खासा नमी वाला स्पेस चाहिए, नमी जब भी फ्लावरिंग हो रही है और आपके फ्रूट्स आ रहे हैं तो उसे पानी भी अच्छा चाहिए, और न्यूट्रिशन भी इसे काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए। तो अगर आप अपने घर में इसे लगा रहे हैं तो आप इसे लगाइए किसी बड़े पॉट में, क्योंकि ये रोज़ रोज़ हटके नहीं लगती है, एक बार एक साल तो लगभग इसे बड़े होने में लग जाता है, नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग होती है, फल आते हैं, तो इसलिए इसे हर साल नहीं चेंज किया जा सकता। इसलिए अगर लगा रहे हैं तो बड़े पॉट में लगाइए या फिर ज़मीन में लगाइए। और ज़मीन में लगाने की भी ये बात है कि ये पूरा स्पेस आपका कवर कर लेती है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। अगर आप इसे किसी दीवार के सहारे लगाएंगे तो ये आपकी दीवार को पूरा कवर कर लेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।